प्रधानमंत्री ने हाल ही में कह भी दिया है कि अगर आपको लग रहा है तो आप आ जाइए मतलब उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा ही है कि हमारे अभी भी वैयक्तिक रिश्ते जो है जो पर्सनल रिश्ते हैं वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ अच्छे हैं दो चीजें है। अलग है पर्सनल रिश्ते एक अलग बात है राजनीतिक अलग बात है बढ़िया के कई लोगों ने चलाया कि मोदी जी ने उनको ऑफर दी देयर इज नो ऑफर ये ऑफर नहीं है ये सीख है एक प्रकार से उनको मोदी जी ने यह बताया जब शरद पवार जी ने कहा कि मैं मतलब चार तारीख के बाद कांग्रेस में पार्टी आ जा सकती है तो शरद पवार जी तो फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड है तो शरद पवार जी इनको भी लेकर जाएंगे कांग्रेस में क्षेत्रीय पार्टी तो ये भी है तो मोदी जी ने कहा भाई कांग्रेस डूबती नाव है उसमें जाके क्या फायदा है उससे अच्छा ये है कि आप शिंदे जी के नेतृत्व में और पवार साहब अजीत जी के नेतृत्व में वापस आइए तो आपके सपने पूरे होंगे तो ये ऑफर नहीं है ये सॉर्ट ऑफ सरकाज है एक प्रकार से उनको हकीकत बताने की बात ये न जुड़ने वाला रिश्ता है अभी 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 कभी, जो हो गया वो हो गया अभी वापस कभी साथ में आने का कोई सवाल है, नहीं बहुत कठिन है इसको जुड़ना इसलिए कठिन है देखिए क्या होता है पोलिटिकल डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं मैंने आप पर कुछ तंज कसे आपने मुझ पर कसे मैंने आपके बारे में कुछ कहा है वो खत्म हो जाता है जिस लेवल पर जाकर और जितने गंदे तरीके से आज उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री जी पर बोलते हैं मतलब कई बार मुझे लगता है कि दिल्ली के नेता या गली के नेता है तो एक पार्टी के प्रेसिडेंट है वो गली का नेता भी ग्राम पंचायत के चुनाव में जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता उन शब्दों का इस्तेमाल वो और उनके चेले चपाटे ये मोदी जी के लिए करते हैं तो हमारा कार्यकर्ता ये सहन नहीं कर सकता